क्या हो रहा है गीता जी में बताइए, बताओ किसके बीच वार्तालाप है? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। अर्जुन क्या कर रहे हैं? बताओ बताओ उत्तर, मुझे सही उत्तर मिलेगा तो उसके लिए। नहीं, और वो तो शुरुआती है, देखिए शस्त्र नहीं उठाना चाह रहे, हो गया, उसके बाद ही गीता जी शुरू होती है। उन्होंने पहले बोल दिया ये सब मुझसे नहीं हो रहा, फिर असल ज्ञान शुरू हुआ। प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? जरूरत है भगवान से प्रश्न करने की, कोई जरूरत है? वो तो जो कह दे कर लो, पर वो उनसे भी प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे क्यों, ये क्यों, ये तो वो क्यों, वो बोल रहे हैं तो ये कैसे। वो भगवान तक से प्रश्न कर रहे हैं, और भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि जबान लड़ा रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म ही आपको ये सिखाता है प्रश्न करो। बस हमारे प्रश्न और अर्जुन के प्रश्न में एक अंतर आ जाता है, अर्जुन के प्रश्न में मर्यादा है, हमारे प्रश्न में मर्यादा चली जाती है। अर्जुन जब भगवान से प्रश्न कर रहे हैं तो ये सोच कर रहे हैं कि इस एक व्यक्ति के पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है, मुझे सच जानना है, मुझे जानना है क्या सही है क्या गलत है। हम प्रश्न क्यों करते हैं? हमें इसे गलत साबित करना, इसलिए हम सच तक पहुंच नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं अच्छी बातों पे। अब कोई इंसान कुछ बोल भी रहा है ना, आप इसीलिए सुन रहे हैं कि ये एक गलत बात बोले और मैं पकड़ूं। कर रहे हो कि नहीं ऐसा बताओ? किसी से वार्तालाप भी होती है ना, हम अच्छी बात सुन नहीं रहे, उसकी गलत बातें पकड़ रहे हैं। आप देखिए इंटरनेट पे भी 10 लोग वीडियो डाल रहे हैं, 10 अच्छी बातें हो रही होगी, एक अच्छी बात वो कमेंट में एक अच्छी गलत बात को पकड़ लेंगे। उसने 10 अच्छी भी तो बोली, उस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारी आदत हो गई है नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देने की। लेकिन जब आप सच जानने की भावना के साथ प्रश्न करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे आपको धीरे धीरे अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते जाएंगे। अर्जुन की मर्यादा यही है, मुझे सच जानना है, मुझे सच में समझना है। तो चिंतन क्या है? प्रश्न करना, प्रश्न करना, विचार करना। अब आज आप कथा सुन रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी जो जो कहा सब आंख पर पट्टी बांध के मान लो, नहीं, घर जाओ, अपना चिंतन खुद करो। मेरी जिंदगी अलग है, मेरे अनुभव अलग है, आपकी जिंदगी अलग है, आपके अनुभव अलग है। जरूरी थोड़ी मेरा अनुभव आपके साथ मिलेगा, मैंने बता दिया। अब वो लागू होगा कि नहीं आपकी जिंदगी में, इसका चिंतन कौन करेगा? आप करेंगे। तो इसलिए किसी को भी आंख बंद कर उस पर भरोसा मत करें।